जैसा कि दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंद साहब मेले में और पहुंच गए हैं लोहे वाली जो मंडी होती है वहां पे कई प्रकार के सामान मिलते हैं। तो जैसे रिंच हुआ, कढ़ाई हुआ, ऐसे लोहे के सामान बहुत सारे मिलते हैं। दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहां पे रिंच है, चाकू है और खुरपा है, हसिया है, तावा है, कढ़ाई है, खुननी है, बेलन है, ऐसे कई प्रकार के सामान आपको मिल जाएंगे। ये देखे पिलास है। तो अभी दुकानें आ चुकी हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए कूदने के लिए जो जंप करने के लिए बना होता है ये भी तैयार हो चुका है। और उस दिन आपको दिखाए थे ये झूला था जो चल रहा था और ये भी तैयार हो चुका है बच्चों को कूदने के लिए, खेलने के लिए। तो और इधर देख सकते हैं आप झूले, झूला भी आ चुका है वो जो ट्रेन वाला है, ये देखिए ये भी आ चुका है। और हम आपको दिखाते हैं और देखिए ये भी झूला है और मौत कुआं भी आ चुका है और ब्रेक डांस भी आ चुका है। तो ऐसे कई प्रकार के सामान आ चुके हैं, झूले भी आ चुके हैं, बड़ा वाला झूला भी आ चुका है। तो अभी दिखाएंगे अब आपको झूला, ये जो आप देख रहे हैं ये मौत कुआं का सामान है और ये मौत कुएं वाली गाड़ी भी है। तो और उधर ब्रेक डांस वाला सामान है, ये देखिए ये ब्रेक डांस वाला झूला है। तो यहाँ पर खजले भी बिकने लगे हैं और खोए का खजला, दूध का खजला, नमकीन खजला, चीनी का खजला, हल्का चीनी का खजला, ऐसे कई प्रकार के खजले आपको मिल जाएंगे और खजले बनकर बिकने भी लगे हैं। खजले की बहुत सारी दुकानें आ चुकी हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो फुल वॉच करिएगा क्योंकि हम आपको पूरे मेले का फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, फुल अपडेट देंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए हमारे पीछे ये खजले की दुकान है, ये द्विवेदी खजला भंडार हैं और इनके पास भी खजले बिक रहे हैं सब। और मैं आपको दिखाने ही जा रहा हूँ, जस्ट हमारे सामने सुरमे की दुकान आ चुकी है और पूरा सुरमे की दुकान तैयार भी हो चुकी है। और जस्ट हमारे बगल में ये देख सकते हैं, हमारे बगल में ये खजले की दुकान है, ये तमाम खजले ऐसे लगे हुए हैं और भैया वहाँ पे बेच रहे हैं। अभी यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, सामने हमारे जस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं भैया और वो बेच रहे हैं। ये देखिए खजले की दुकान पूरा बकायदे पूरा ढक के बेच रहे हैं। ये देखिए पूरा गट्टा भी मिल जाएगा। कहा भैया खजले बेच रहे हैं? देखिए खजले बेच रहे हैं। तो ये आपको दिखाते रहते हैं सुरमे की दुकान, ये देखिए जस्ट हमारे पीछे ये सुरमे की दुकान है, रामबाड़ ठंडा सुरमा। तो अभी हम आपको और भी अपडेट देने वाले हैं क्या क्या आया हुआ है। तो देखिए जस्ट पीछे हमारे बहुत दुकानें आ चुकी हैं यहाँ पर। और तो ये शर्मा खजला भंडार की दुकान है, ये रही, और यहाँ पे खजले बिक रहे हैं। और पूरा इधर भी देखिए ये दुकानें पूरे तैयार की जा रही हैं, इधर भी देखिए ये। अभी देखते हैं कोई थिएटर आया है कि नहीं, चल रहे हैं वहाँ पर भी, और अगर आया होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आपको न्यू अपडेट दे ही देते हैं, शोभा सम्राट थिएटर आ चुका है और चारों तरफ से घेर भी दिया गया है और हम आपको दिखाते हैं और बने रहिएगा लास्ट तक। अभी हम क्या क्या दिखाएंगे ये ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये रहा शोभा सम्राट थिएटर, ये आ चुका है और यही इसी के सामने खजले की दुकान भी लग चुकी है। और ये देखिए ये पूरा शोभा सम्राट थिएटर आ चुका है, लोग काम में लगे हुए हैं। हम
हम आपको बता ही रहे थे कि हम आपको फुल अपडेट देंगे कि शोभा सम्राट आया है कि नहीं और कितनी दुकानें आई हैं कि नहीं। तो हम आपको ये देखिए, जस्ट हमारे पीछे हमारे शोभा सम्राट आ चुका है और लोग काम कर रहे हैं, इसकी तैयारी चल रही है बहुत ज़ोर शोर से। तो ऐसे ही रोज़ हम आपको अपडेट देते रहेंगे और भी अभी अपडेट देने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो हम शोभा सम्राट थिएटर के पास पहुँच ही गए थे और यहाँ पे मिल गए हमारे सुनील भाई और यहाँ पे पूरे काम पे लगे हुए हैं। तो इनका भी चैनल है, का नाम है SPR मोटिव, इनका भी चैनल, इनके चैनल पर जाइए और वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो ये देखिए पूरा काम पे लगे हुए हैं, ये इधर काम चल रहा है, इसको पकाने के लिए लगे हुए हैं ज़ोर शोर से। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है और हमारे यहाँ शोभा सम्राट थिएटर की तरफ से और जा रहे हैं बाबा गोविंद साहब के मंदिर की तरफ। तो ये देखिए पूरी दुकानें तैयारी में लोग लगे हुए हैं, दुकान की तैयारी में, ये देखिए। और जस्ट हमारे पीछे अभी आपको दिखाई देगा पन्ना लाल सुभाष चंद खजले वाले की दुकान, तो जो कि बहुत ही मशहूर है। तो जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं, ये देखिए ये लाला पन्ना लाल की दुकान है सुभाष चंद खजले वाले, ये रहा। और यहाँ पर खजले बिक भी रहे हैं, ये देखिए ये खजले बिक रहे हैं और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, पूरा मंच लग चुका है खजले बिकने के लिए। और ये देखिए, जैसा कि दोस्तों हम मंदिर वाले रोड पर पहुँच ही गए थे, लाला पन्ना लाल सुभाष चंद के खजले के जस्ट थोड़ा सा आगे ही गए हैं और यहाँ पर एक बड़ा वाला झूला यहाँ पे है और देखते हैं अभी ये कहाँ पे लगेगा, कोई कंफर्म नहीं है कहाँ पे लगेगा। और यहाँ पे झूला बड़ा वाला आ चुका है, तो देखने वाली बात होगी ये झूला कहाँ पर लगता है। तो अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे कहाँ पे ये झूला लगता है, तो वीडियो को अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को तो पूरा वॉच करिएगा। कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं यही रहा झूला और झूले का सामान पूरा गिरा हुआ है, ये देखिए। दोस्तों हम मंदिर वाले रोड पर हैं और ये देखिए यहाँ भी दुकान पूरी तैयारी चल रही है और इधर तो कई दुकान लगभग तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए। अभी ये कब खुलती हैं कोई पता नहीं है। तो ये देखिए, और ये बच्चों को जंप करने के लिए ये इधर भी लग चुका है कूदने के लिए, और ये देखिए लोग तैयारी में लगे हुए हैं, ये देखिए। जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं हम मंदिर के पास ही हैं और बच्चे यहाँ पर कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये देखिए बच्चे पूरा लगे हुए हैं ज़ोर शोर से। दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं हनुमान गढ़ी पर, ये देखिए ये हनुमान गढ़ी है और यहाँ पर खिलौने भी बिक रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे खिलौने बिक रहे हैं। और ये देखिए जस्ट सामने मंदिर है बाबा गोविंद साहब का और शंकर भगवान का मंदिर है, और उधर उधर आप देख ही सकते हैं वो दुर्गा माता का मंदिर है। और ये रहा पोखरा ये, और ये रहा, और वो रहा मंदिर, मेन मुख्य मंदिर वही है। तो अभी हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं, ये देखिए। तो अभी मंदिर पर ही है पोखरे के बगल में और यहाँ पर चाट की दुकान भी आ चुकी है और बहुत तेज चल भी रही है दुकान, देख रहे हैं कई लोग पूरा खाने पीने में लगे हुए हैं। जस्ट हमारे पीछे सामने ही है, देखिए पीछे चाट की दुकान बहुत। तो अभी हम आपको और भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो हम आपको फुल अपडेट देने वाले हैं और यहाँ पर जो सिल और लोढ़ा बिकता है वो भी आ चुके हैं और यहाँ पे सिल लोढ़ा भी बिक रहे हैं। तो हम आपको एक बार दिखाते हैं, लोढ़ा तैयार किया जा रहा है, काम चल रहा है, और इधर रहे पत्थर और ज़ोर शोर से सब काम चल रहा है। इधर भी देखें, इधर काम चल रहा है, ये भैया काम कर रहे हैं और इसकी कटाई कर रहे हैं, ये देखें। तो लगभग हमको लगता है एक हफ्ते पहले, अच्छा कितने दिन पहले आए हैं भैया? एक हफ्ता हुआ भैया को आए हुए। और यहाँ पर
अगर आप आते हैं तो सिलोड़ा मिल सकता है, क्योंकि दुकानें आ चुकी हैं। और जैसा कि दोस्तों आप ये देख ही सकते हैं, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है बिकने के लिए। ये देखिए चौका बेलन भी है। ये तो सब पत्थर का होगा ना? ये सब पत्थर के ही हैं, लकड़ी वाला नहीं है, ये सब पत्थर के हैं। चौका बेलन सील और लोढ़ा सब तैयार हो चुका है और ये बिकने के लिए रेडी है। ये देखिए जाँता भी है जिसमें दाल वाल धरा जाता है। हम आपको बता दें, अभी हम हैं केले वाली गली में और यहाँ पर भी लगभग कई दुकानें आ चुकी हैं और पूरा काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ज़रूर देखिए। ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और तैयार हो चुके जो काम बाकी है वो काम चल रहे हैं और इधर भी दुकानें आ चुकी हैं। ये देखिए ठीक है, कितनी दुकानें आ गई हैं। ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला झूले का डोलची यहाँ पे लगी हुई है और ये भी आ चुका है और ये अभी लगने के लिए तैयार हो गया है। और जस्ट हमारे पीछे झूले की डोलची रखी हुई है और ये भी झूला बड़ा वाला आ गया है और देखते हैं कब तैयार होता है, इसका भी अपडेट देंगे जब तैयार हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पीछे ये बड़ा वाला झूले की डोलची। और आज का वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।